नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकरोधी और राज्यों की मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हरित बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के ओडिशा दौरे पर और एडिलेड में T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयासों में लगे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला, कुसुम्पटी और नाभा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान राज्य में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को रोकने के लिए कई बार रोड़े अटकाए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस आज राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद रैलियां करने जा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक कई जगहों पर रोड शो और जनसभाओं के जरिए प्रचार करेंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। 17 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए अब तक कुल 12 नामांकन पत्र भरे गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे रहे हैं और सूची जारी कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल सहित पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस को कल एक और झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवान बराड़ भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी ने कल 12 उम्मीदवारों की और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बैठक में उपस्थित थे। सिक्किम में आज 2 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गंगतोक, नामची, ग्यालसिंग, सोरेंग, पैक्योंग और मंगन के 122 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 1147 ग्राम पंचायत वार्डों के लिए नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करना है। पुणे में कल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि देश में अनेक लोग अब भी मतदाता पंजीकरण से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य कुल आबादी की तुलना में मतदाताओं का अनुपात बनाए रखना और प्रत्येक पात्र महिला मतदाता को सूची में शामिल करना है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ने का अभियान भी शुरू किया गया है, लेकिन इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने किन्नर मतदाताओं को अलग से पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। नागालैंड में 2023 की मसौदा मतदाता सूची के अनुसार 12,83,749 मतदाता हैं। कल मसौदा सूची जारी होने के अवसर पर नागालैंड के मुख्य चुनाव अधिकारी बी शशांक शेखर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए त्रुटि रहित मतदाता सूची पर बल दिया। उन्होंने लोगों से निर्धारित समय सीमा में मसौदा सूची में आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के अनेक उपाय किए हैं।
नई दिल्ली में कल खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बातचीत में श्री शाह ने कहा कि ब्यूरो ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। गृहमंत्री ने आतंकवाद रोधी और राज्यों की मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने का तंत्र मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वाम उग्रवाद को वित्तीय और साजो सामान की मदद देने का जरिया समाप्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत को सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत के हरित बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। हरित बॉन्ड सतत पर्यावरणीय और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करने का वित्तीय उपाय है। इससे पेरिस जलवायु संधि के तहत स्वीकृत राष्ट्रीय योगदान की प्रतिबद्धता पूरी हो सकेगी और हरित परियोजनाओं के लिए वैश्विक तथा घरेलू निवेश आकृष्ट करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि हरित बॉन्ड की रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में घोषित पंचामृत के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। मंत्रालय ने हरित वित्त कार्य समिति गठित की है जिसमें संबद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसकी अध्यक्षता करेंगे। समिति ये सुनिश्चित करेगी कि जारी होने की तिथि से 24 महीने के अंदर परियोजनाओं का आवंटन कर दिया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है पहचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। North East Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's North East Diary, on 10th of November 2022, we bring for you an exclusive interview with Jatindra Sarma, director of the Kaziranga National Park. Looking forward to see you there. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर होंगे। राष्ट्रपति के रूप में राज्य की ये उनकी पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति कल भुवनेश्वर में तपोवन उच्च विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। वे जयदेव भवन से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल कंबोडिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति शनिवार को नॉमपेन में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे इन 4 राज्यों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कल KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और भारत गौरव काशी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो 6 लेन की रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के नए आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान कर रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस मिशन का उद्देश्य निर्धनों को आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना है। उम्मीद महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करने में अत्यधिक मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उम्मीद कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो महिलाओं को छोटी बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, ताकि उनकी स्वयं सहायता समूह अंततः कम ब्याज दर पर बैंक योग्य बन सके। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। एडिलेड में T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच दिन के 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल 1 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया था। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। भारत की लवलीना बोर्गोहाई, अल्फिया पठान, मीनाक्षी और परवीन जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई हैं। कल सेमीफाइनल में 75 किलो वर्ग में लवलीना ने दक्षिण कोरिया के मुक्केबाज को हराया। 81 किलो वर्ग में आल्फिया ने विश्व चैंपियन को मात दी। मीनाक्षी ने 52 किलोग्राम वर्ग में और परवीन ने 63 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के मुक्केबाजों को पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का शपथ ग्रहण अखबारों की अहम खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, न्यायिक सुधारों में आम लोगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन। हरिभूमि की बड़ी खबर है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को बड़ी कामयाबी। भारत फोर्ज को मिला 15.5 करोड़ डॉलर का निर्यात ऑर्डर। भारत पहली बार दुनिया के किसी देश को तोप निर्यात करेगा। अगले 5 साल में रक्षा विनिर्माण का 25 अरब डॉलर का लक्ष्य। सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंक और डाउनलिंक संबंधी नए दिशा निर्देशों पर हिन्दुस्तान लिखता है, टीवी चैनलों पर रोज देश हित के कार्यक्रम दिखाना जरूरी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, सीधे प्रसारण से पहले मंजूरी बाध्यकारी नहीं। बीमा संबंधी एक मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, बीमा अनुबंधों की भाषा जटिल, उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं। बीमा अनुबंध में स्वतंत्रता की अवधारणा का महत्व नहीं रह जाता, उपभोक्ता के पास केवल हस्ताक्षर करने का ही विकल्प बचता है। खुफिया ब्यूरो की उच्चस्तरीय बैठक में गृहमंत्री के बयान पर दैनिक जागरण लिखता है, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनके मदद तंत्र को भी नष्ट करना जरूरी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दे सकेंगे 9 राज्य। नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिला अधिकारियों को भी दिया गया है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर जनसत्ता की अहम सुर्खी है, ब्रिटिश अदालत का नीरव को भारत वापस भेजने का आदेश। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, तिकड़म नाकाम होगा प्रत्यर्पण। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम की तैयारियों की समीक्षा की है। मंत्रियों ने कार्यक्रम के सुगम आयोजन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकरोधी और राज्यों की मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हरित बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर। और एडिलेड में T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।